नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो की, जो कि अभी भारत सरकार ने 2-3 दिन पहले रिलीज किया है और कहा है कि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक झूठी है, फर्जी है, आज हमने सबूत दे दिया, अब आप माफी मांगिए। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी संदेह किया था कि जिस प्रकार से इस सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो कम से कम बताइए ना कि ये हुई है या नहीं हुई है, हमें तो शक नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सबूत दीजिए। अब ये बात कहां से उठी और क्यों उठी, और 2 साल के बाद में, यानी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 29 सितंबर 2016 को, और लगभग 2 साल के बाद में इस वीडियो को जारी करना, उसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, उसको आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात ये थी कि उत्तर प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी जी के साथ या बीजेपी के पोस्टर पर सर्जिकल स्ट्राइक के सैनिकों के जब चित्र लगे और इस सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की गई, तो कुछ नेताओं ने यह कहा कि ये चीज गलत है, क्योंकि भविष्य में भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, अतीत में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो इस सर्जिकल स्ट्राइक को इस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की क्या जरूरत है। तो मसला ये था, और मसला ये भी था क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, और एक तरफ यहाँ बीजेपी राजनीतिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक को भुना रही थी, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि हुई है या नहीं हुई है, कुछ सत्यता तो हो। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि आप सब भारतीयों को और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी भारतीय सैनिकों पर रत्ती भर भी शक नहीं है, उनकी बहादुरी पर। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है और नहीं भी की है, हमें किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो गहरे से गहरे तापमान में और गहरी से गहरी सर्दी में भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। उनकी बहादुरी, उनकी तत्परता, उनकी कर्तव्यबद्धता पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुछ नेता कह रहे हैं राजनीतिक रूप से, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने भी राजनीतिक रूप से इसको बनाने की कोशिश की। बीजेपी ये कह रही है कि उस समय जिन लोगों ने ये कहा था तो वो आज माफी मांगे, हमने सबूत रख दिया है। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी माफी मांगे, क्योंकि सैनिकों की बहादुरी के सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नेता पूरा देश नहीं है, आप पूरी सेना को एक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं भविष्य के लिए। क्योंकि आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और लाल बहादुर शास्त्री के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उन्होंने कभी भी अपने पोस्टर पर उनकी तस्वीरें चस्पा नहीं की, आपने की तो लोगों ने आपको जवाब दिया। आप 2 साल के बाद में वीडियो सार्वजनिक कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी बस एक मंशा है कि 19 का जो चुनाव है उसको कैसे भी करके भुनाया जाए, क्योंकि आपने 2 बड़े कदम उठाए थे, 3 बड़े कदम उठाए थे, नोटबंदी, जीएसटी और ये सर्जिकल स्ट्राइक। जीएसटी फ्लॉप होगी, नोटबंदी फ्लॉप होगी, आप कैसे भी करके भावनात्मक रूप से जनता को आपकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। अब आपके पास केवल सैनिक है, सैनिकों की पेंशन है वो आपको बढ़ानी नहीं है, उनकी जो राशन सामग्री है उस पर जीएसटी लगता है, उनके हथियारों का जो बजट है वो सबसे कम कर दिया है, वो सारी बातें काम की नहीं है, लेकिन आपके पास एक वीडियो है, आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक है, उसको आप 2019 के लिए कैसे भी भुना सकते हैं, आप भुना रहे हैं। आप दरअसल सेना की बहादुरी का एक भावनात्मक दोहन कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही घातक है भविष्य के लिए, आप समझिए। और दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में सीज फायर बढ़े हैं, सैनिकों की मौतें उस समय जो हो रही थी वैसे ही चल रही है, नागरिकों की हत्याएं हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक से जो एक परिणाम निकलना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं निकला। फिर सर्जिकल स्ट्राइक को 2-3 सालों तक तो भुनाने की आवश्यकता क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक और होंगे तो क्या कम है। इसलिए बीजेपी अपने आप को जो बहादुर सेना पक्षीय कह रही है, कम से कम बजट पर ध्यान दिया जाए, रक्षा मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है, उनके पास कितना शेष है, और सैनिकों के पास प्रोटेक्शन के कौन से हथियार हैं, किस गुणवत्ता के हथियार हैं, उसकी जांच की जाए, तब आपको माना जाएगा कि आप वास्तव में सेना के प्रति वफादार हैं। अब तो आप कम से कम वोटों की भूख को मिटा रहे हैं। अब आप ही कहें कि शाम आप कह रहे हो कि भाई वीडियो नहीं रखना चाहिए था, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो बार बार बीजेपी से सबूत मांग रही थी तो देना चाहिए था, ठीक है दे दिया, मान लेते हैं, हमें वैसे भी शक नहीं था, हमने 8 मिनट का वो वीडियो देख लिया तो भी शक नहीं है, हम प्रणाम करते हैं उनकी बहादुरी को और सरकार को कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, अब बस कीजिए, बहुतों ने उठाया है, आपने उठाया, आने वाली सरकारें भी उठाएगी, अगर आपने बहादुरी काम किया, तालियां, ठीक है। अब आप एक बात सुनिए, विपक्ष ने तो लोया केस में भी सवाल उठाए थे, क्या जांच हुई, अगर दम है सरकार में, अगर
इनको इतनी ही चिढ़ है, अगर इनको इतना ही गुस्सा आता है विपक्षी पार्टियों के एलिगेशन से, तो जजिला केस की जांच की जाए। विपक्ष ने तो यह भी कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में जो 750 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर जमा हुए, वो एक घोटाला था। क्या उन खातों की जांच हो रही है सरकार? क्या सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा? नहीं कहा। कम से कम ये जो ड्रामेबाजी है, ये जो दिखावा है, पाखंड है, एक जो एक धूर्तता है, इसको बंद कीजिए। कम से कम सेना को रहने दीजिए। आपने तमाम जो संस्थान थे, मीडिया देखो किस प्रकार से वीडियो आते ही चिल्ला रहे हैं। अब मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते सरकार से कि आप 2 साल के बाद में सबूत दे रहे हैं या वीडियो दे रहे हैं? जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आप दे रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं? अगर आपको जवाब देना था तो उसी समय 2016 के अंदर ही देना था, ताकि मजा आता कुछ बात का। अब 2 साल के बाद में, सीधी सीधी बात यह है कि आप 2019 की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आप विपक्षी सवालों को इतना ही गहराई से लेते हैं, इतनी गंभीरता से लेते हैं, तो आप हर सवाल का जवाब दीजिए। हर सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने ये कर दिया। ये जो एक ड्रामेबाजी है, ये आपके लिए घातक है, पूरे देश के लिए घातक है, और सेना की बहादुरी, उनके आत्मविश्वास के लिए घातक है। दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सेना की बहादुरी पर रत्ती भर भी शक नहीं है। शक हमें इस सरकार की मंशा पर है कि ये सेना का दोहन, सेना का अस्तित्व, जो एक बहादुरी का एक इनकी एक ख्याति है, उसको ये धूमिल कर रही है। राजनीतिक इतिहास में इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी जितनी इस सरकार ने दिखाई है। कम से कम सेना को बख्श दीजिए। आपने किसी भी संस्थान को स्वतंत्र नहीं रहने दिया, आप इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको जो परतें नहीं खुलती दिख रही थी, सुलझती नहीं दिख रही थी, आपने उनको देखा होगा, समझा होगा कि क्या मकसद है इस वीडियो को जारी करने के पीछे। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।